पेंशनर समाज शाखा ब्यावर ने अजमेरी गेट स्थित पेंशनर समाज के भवन को समाज को सुपुर्द करने की मांग की है। इस बाबत समाज की ओर से गुरुवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी राम प्रकाश को ज्ञापन दिया। पेंशनर समाज अध्यक्ष नारायण सिंह पवार के सानिध्य में एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की नीति एवं आदेशानुसार प्रत्येक जिले एवं उपखंड स्तर पर पेंशनर कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए एक पेंशनर भवन बनाने या आवंटित कराने का प्रावधान है। ब्यावर पेंशनर समाज के लिए तहसील परिसर में भवन स्थित है, लेकिन 18 वर्षों पूर्व स्थानीय प्रशासन ने अल्पकाल के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी विधि विभाग ब्यावर के लिए उक्त भवन लेकर कोषालय में एक कक्ष दिया था, जो कि अब राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का स्वयं का अपना एक भवन बनकर तैयार हो गया तथा राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग पूर्ण रूप से अपने नए भवन में स्थापित हो गया। तब से पेंशनर समाज के उक्त भवन को प्रशासन द्वारा चुनाव कार्यालय के रूप में काम में लिया जाना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में चुनाव शाखा के लिए एसडीएम कार्यालय में संपूर्ण संसाधनों के साथ नया भवन संचालित हो रहा है। विगत लंबे समय से पेंशनर समाज भवन पर ताला लगा हुआ है। पूर्व में जिलाधीश के निर्देश पर पेंशनर समाज भवन को पेंशनरों को सुपुर्द करने के निर्देश दिए हुए हैं, अतः उक्त भवन को पेंशनर समाज को सुपुर्द किए जावे। ज्ञापन देने वालों में गणपत सिंह मुग्धेश, राम सहाय शर्मा, अब्दुल जब्बार, गुलाम सरवर, मिठनलाल, गोपीलाल चोरोटिया, श्याम सुंदर अग्रवाल, शिवप्रसाद शर्मा, दिलभर सोलंकी, ओम दत्त जोशी, नरेंद्र कुमार, भंवरलाल भट्ट, सुभाष त्रिपाठी, हेमंत कुमार दीक्षित, गोप सिंह रावत तथा चंद्रभान सिंह कुर्डिया आदि शामिल थे। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा ब्यावर ने आज उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग एक ही है कि हमारा जो पेंशनर भवन है उसको हमें लौटाया जाए। पूर्व में ये हमारा ही पेंशनर भवन था, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां थी कि उन्होंने वहाँ पर एसआई और जीपीएफ का कार्यालय शिफ्ट कर दिया और हमें वहाँ पर ट्रेजरी में एक कमरा दे दिया। इसके बाद में उन्होंने उनकी मजबूरी बनी और उन्होंने मतलब इसका चुनाव कार्यालय को उसको दे दिया, वो चुनाव कार्यालय भी यहाँ शिफ्ट हो गया और उस भवन के ताला लगा हुआ है। इसलिए हमारी अब मांग है अब हमें लौटाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 5000 पेंशनर हैं और हर मीटिंग में लगभग 100 के करीब पेंशनर उस मीटिंग में आते हैं, तो उनको बैठने में एक कमरे में बैठने में बड़ी दिक्कत होती है और हमारी गतिविधियाँ सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, पूर्व मैं अध्यक्ष हूँ, कि ये एसडीएम साहब शीघ्र अति शीघ्र हमें ये पेंशनर भवन लौटाए ताकि हमारी गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके।